गाइस वेलकम बैक टू रोशनाराज वर्ल्ड। सो गाइस आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट फ्रॉम डेलॉयट। जी हाँ, तो डेलॉयट की तरफ से ईएलई एनालिस्ट की पोस्ट जो है वो आई है। सो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, पैकेज क्या है एंड शिफ्ट टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं एंड हाउ टू अप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस कौन से चलेंगे, तो बोथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, बोथ ऑफ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट इज बैचलर्स या फिर मास्टर्स चाहिए तो बैचलर्स डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यस मोर प्रेफरेबल इज मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, बट यस लाइक बैचलर भी एनी ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्किल्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगी। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेल, पीपीटी एंड वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजें आनी चाहिए। डैशबोर्ड बिल्डिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, ग्राफिक विजुअलाइजिंग आपको आना चाहिए, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एच आर टेक्नोलॉजी एंड एच आर सिस्टम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एचआर डेटा एंड रिपोर्टिंग सारी चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, देन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना ही चाहिए बिकॉज यू आर एन एनालिस्ट। ठीक है, देन आपको लर्निंग और ये सब कॉम्प्लेक्स यू नो बिजनेस इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको टाइमली डिलीवर करनी पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंसेज, एंड देन आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ लिखा है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ टूल्स होंगे, फंक्शनैलिटीज होंगे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर होनी चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है रिटन एंड वर्बल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके बेसिक यू नो स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। इसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आप क्या काम करेंगे। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेन, मैनेज एंड अपडेट द एसएपी सिस्टम जो है फॉर ऑल डीटीएल्स बिजनेस। ठीक है, डेलॉयट के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके आपको एसएपी सिस्टम जो है उनको मेंटेन करना, उस पर वर्क करना है। ठीक है, आप स्टेक होल्डर्स क्लाइंट्स के साथ वर्क करेंगे एंड देन आपको गैप कम्युनिकेशन जो भी है अच्छे से स्मूथली रन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन डेटा मिलेगा आपको, डेटा पे काम करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी काफी तरीके की, तो ये आपका लाइक वर्क होगा। एंड देन एबिलिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी आप धीरे धीरे और चीजें एनहांस करेंगे, सीखेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे उसकी मतलब उस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपको मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको लाइक एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप गो थ्रू करिए। ठीक है, आपको क्या क्या मेंटेन करना है वो सारी चीजें लिखी है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन लेट्स कम टू दी shift timings and all. So shift timings यहाँ पे रहेंगी US shift which is 2 PM से लेकर approximately 11 रात के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे US shift, UK shift you can say रहेगा। ठीक है, then यहाँ पे package की अगर बात करते तो approximately 4.5 lakh से ऊपर या approximately उतना जो है आपका पैकेज होने वाला है यहाँ पे फॉर एन एनालिस्ट प्रोफाइल। ठीक है, तो पैकेज मैंने आपको बता दिया। सो अब बात करते कैसे अप्लाई करना। सो यू विल क्लिक अप्लाई बटन हेयर, यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे एंड देन आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विच इज आप ईमेल आईडी से कर सकते हैं एंड आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको नॉर्मल एक आई एक्सेप्ट इन टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी होगी इनकी, वो अग्री करके आप आगे प्रोसीड करेंगे, वो पढ़ लेना आप थोड़ा, है ना। देन यू हैव टू डू 6 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज लाइक अपलोड रिज्यूमे, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, देन आपका रहेगा क्वेश्चनेयर होगा, एक क्वेश्चन होगा एंड देन आपको सीवी अपलोड हो गया। इसके बाद आपका रिव्यू होगा, सॉरी वर्क एक्सपीरियंसेस आपको डालने पड़ेंगे अपने, क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी एंड देन रिव्यू एंड सबमिट। तो ये आपका पूरा स्टेप रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फिल करना है, आपको सारी बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। क्वेश्चनेयर में बेसिकली वो आपको बस एक क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे कि आपका एक्सेल और वर्ड एमएस ऑफिस वगैरह आपका स्ट्रांग है कि नहीं, यस और नो में, तो आपको यस या नो जो भी है आप उस हिसाब से आंसर करेंगे, देन सीवी अपलोड करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज यू आर गोइंग टू लाइक अप्लाई फॉर इट। जिनका रिवर्ट आएगा दैट विल बी थ्रू ईमेल आपको रिवर्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन दे विल बी कॉलिंग यू अप एंड फॉर द फर्दर स्टेप्स। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये लाइक इन्फॉर्मेशन अच्छे पता चल गया है एंड देन या यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इट। इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट डू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करा होगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी पता चले ऐसी वैकेंसी आई है एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ पे रेड कलर का बटन है सो दैट फॉर नेक्स्ट वीडियो आई कम अप विद आपको पता चल जाएंगे अपडेट्स आई हैं। Thank you so much for watching this video guys. I'll come up with another video. Thank you. Bye. Have a great day. Take care. Bye.